और मेरे भाइयों, क्या हालचाल है यार। तो बीजीएमआई का जो क्लास गेट है वो चेंज हो चुका है। हाँ गाइस, आप लोग का बीजीएमआई का जो क्लास गेट है वो चेंज हो चुका है, जिसमें आप लोग को ग्लेशियर और भाई यहाँ पे मिथिक देखने को मिलेगा। जो क्लास गेट है उसका कुछ रूल एंड रेगुलेशन चेंज हुआ है मिथिक और अपग्रेड गन के। और हाँ, यहाँ पे बीजीएमआई में न्यू इवेंट भी आया है, जिसका नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये लिखा हुआ है जुलाई महीना भाई एक इवेंट आया है, जिसमें आप लोग को यहाँ पे एक फ्रेम एंड यहाँ पे आप लोग को बैकपैक और पॉपुलरिटी फ्री में मिल रहा है। तो इसको आप लोग को कंप्लीट करना है, प्ले क्लाइस मोड वन एवरीडे आप लोग खेलोगे तो ये 10 हेलमेट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और भाई यही नहीं, और यहाँ पे एक चीज मतलब की मिशन में है, जो कि यहाँ पे आप लोग करना है फिनिश 2 एनमी इन क्लाइस मोड एवरीडे, मतलब पर डे आप लोग को यहाँ पे 2 एनमी मारना है एंड ये 20 हेलमेट कलेक्ट करना है, एंड इससे आप लोग रिडीम कर पाओगे पॉपुलरिटी क्रेट फिर यहाँ पे परमानेंट बैकपैक। तो बहुत ही इजी इवेंट है, बट यार बहुत ही दिन बाद यार ये इवेंट लेके आते हैं बीजीएमआई वाले, मतलब सिर्फ ईए स्पोर्ट का ध्यान दे रहे हैं, भाई इवेंट वगैरह का भी ध्यान दे ले तो अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट करना, मैं तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं भाई। आप लोग बीजीएमआई के ऊपर भाई जो भी बोलना चाहते हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कमेंट, एंड आपके भाई को यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यार बताओ कि आप लोग को यहाँ पे जो ये इवेंट वगैरह नहीं लाते हैं वो यार आपको अच्छा लगता है या नहीं। भाई ये सिर्फ ई स्पोर्ट के प्लेयर्स पे ध्यान दे रहे, भाई और भी कम्युनिटी है जैसे इवेंट वगैरह एंड बहुत सारे चीज पे ध्यान देते हैं यार, गेम प्ले वगैरह, तो यार इनको इस पे भी ध्यान देना चाहिए। बाकी चलो यार मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लैश क्रेट के बारे में बताता हूँ। तो आप लोग को पता है आपका जो क्लैश क्रेट है वो आने वाला है 2 दिन बाद, यानी कि आप लोग यार मान के चलो 28 तारीख को आप लोग का क्रेट देखने को मिल जाएगा। और भाई आप लोग का जो न्यू क्लैश क्रेट है वो थोड़ा सा मतलब चेंज होने वाला है, जिसमें आप लोग को यहाँ पे क्या नहीं देखने को मिलेगा और क्या देखने को मिला वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा ये आउटफिट, एंड ये आप लोग देख सकते हो ये गर्ल गेमर आउटफिट है। तो यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई जो बीजीएमआई का क्लैश क्रेट है जो आने वाला है उसमें आप लोग मतलब बता नहीं रहे हो मिथिक कौन सा आने वाला है। तो भाई यहाँ पे आप लोग मिथिक देख सकते हो, ये मिथिक आप लोग को मैंने ऑलरेडी दिखा रखा था आप लोग को याद हो, बट यहाँ पे लीक्स में अभी भी यहाँ पे मिथिक ऐड नहीं किया गया है। तो मे भी हो सकता है अगले क्लैश क्रेट में आप लोग को मिथिक ना ही देखने को मिले, और ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। बट यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर के बारे में। हाँ गाइज, यहाँ पे ग्लेशियर के बारे में भी न्यूज़ निकल के आ चुका है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और भाई यहाँ पे जो ग्लेशियर का जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम मस्त सा है, आप लोग यहाँ पे सुनोगे तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। और भाई यहाँ पे जो क्लैश क्रेट का रूल है वो चेंज हुआ, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्रेट पे ध्यान दोगे जो कि नेक्स्ट आप लोग को 28 तारीख को देखने को मिल रहा है, इसमें कोई भी यहाँ पे मिथिक नहीं देखने को मिलता है। बट यार अगर लीक्स में नहीं देखने को मिल रहा है तो मे बी हो सकता है 28 तारीख को जो क्रेट आ रहा है उसमें देखने को मिल जाए, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं है। और ये रहा सेकेंड क्लैश क्रेट, इसमें यूजिक स्किन एंड ये सब आने वाला, इसको छोड़ो। अब रूल की बात करते हैं, तो यहां पे आप लोगों को क्लैश क्रेट में कोई भी मिथिक नहीं देखने को मिल रहा है, बट यार अपग्रेडेबल गन की स्किन देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, अभी M24 की स्किन मिलेगी भाई आप लोग को यहाँ पे 2.1 के अपडेट में, और अगला जैसे अपडेट आएगा मतलब अगले क्लैश क्रेट में आप लोग को अदर गन की स्किन देखने को मिलेंगी, जैसे अलग अलग मतलब की अपग्रेड गन है वैसे आप लोग को यहाँ पे क्लैश क्रेट में देखने को मिल जाएंगी। और आने वाले समय में आप लोग को ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे फिक्स नहीं है कब देखने को मिलेगा, लेकिन तो यहाँ पे 100% यहाँ पे कन्फर्म हूँ कि आप लोग को यहाँ पे अपग्रेड गन की स्किन आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आप लोग के यहाँ पे बता दिया जाए क्लैश क्रेट से भाई मिथिक गायब कर दिया गया, अपग्रेड गन डाल दिया गया है, तो यहाँ पे ये रूल चेंज हुआ है। बाकी अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना, आपका भाई रिप्लाई कर देगा। बाकी यार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सपोर्ट करते रहना मेरे भाई।